morning, welcome to my class. In the previous video, students, we were discussed about chapter number 10, the sign of position. I hope aapko samajh mein aa raha hoga. Let's continue, students. Here some examples. The doll belonging to Nisha. The doll belonging to Nisha. Doll kiski hai? Kisse belong kar rahi hai? Nisha se. To Nisha ki doll hai. तो हम साइन ऑफ पोजीशन का यूज करते हुए क्या प्रिपेयर करेंगे? निशास डॉल. निशास डॉल. साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज किया. साइन ऑफ पोजीशन. निशा सिंगुलर है तो साइन ऑफ एंडिंग एस नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? साइन ऑफ पोजीशन, छोटा सा कोमा, स्मॉल लेटर एस. द नेक्स्ट इज द हाउस बिलोंगिंग टू रवि. हाउस किससे बिलोंग कर रहा है? रवि से बिलोंग कर रहा है. द हाउस इज बिलोंगिंग टू रवि. तो क्या प्रिपेयर करेंगे? रवीज हाउस. रवीज हाउस. द हॉर्न ऑफ द बुल. बुल यानी बैल. हॉर्न यानी सिंह. तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? बुल से बिलोंग कर रहा है. तो द बुल्स हॉर्न यानी बुल के सिंह. रवीज हाउस, रवि का घर. निशास डॉल, निशा की गुड़िया. द फोर्थ नंबर इज द टेल ऑफ द डॉग. टेल किससे बिलोंग कर रही है? डॉग से. डॉग की पूंछ. टेल इट मींस पूंछ. तो द डॉग्स टेल, डॉग की पूंछ. आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कस अबाउट हिंदी मीनिंग ऑफ पोजिशन. इट मींस का, के, की. निशा का, निशा की डॉल. रवि का घर. बुल बैल के सींग. डॉग की टेल. आई होप आप समझ रहे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद सम एग्जांपल. स्टूडेंट्स, एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे द ड्रेस बिलोंगिंग टू द गर्ल्स. द ड्रेस बिलोंगिंग टू द गर्ल्स. ड्रेसेस किससे बिलोंग कर रही है? गर्ल्स से. तो क्या प्रिपेयर करेंगे? साइन ऑफ पोजीशन का यूज करते हुए द गर्ल्स ड्रेसेस. स्टूडेंट्स, गर्ल्स नाउन की एंडिंग किससे हो रही है? एस से हो रही है. किससे हो रही है? एस से हो रही है. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिस नाउन की एंडिंग में एस आता है तो हम एस का यूज नहीं करेंगे, केवल किसका यूज करेंगे? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? क्योंकि एस ऑलरेडी एड होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी इसमें एस जुड़ा हुआ है. तो जिसकी एंडिंग में नाउन में एस आएगा तो केवल हम कोमा का यूज करेंगे, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. तो द गर्ल्स ड्रेसेस. द नेक्स्ट इज द बैग बिलोंगिंग टू द गेस्ट. बैग किससे बिलोंग कर रहे हैं? गेस्ट से. आपके बैग, मेहमानों के बैग. तो द नाउन की एंडिंग किससे हो रही है स्टूडेंट? एस से हो रही है. किससे हो रही है? एस से हो रही है. तो एस ऑलरेडी एड है, तो यहाँ पर भी हम साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. द गेस्ट बैग, क्योंकि गेस्ट एस ऑलरेडी इसमें एड है. द नेक्स्ट इज द बैग कैरिड बाय राहुल इज वेरी हैवी. राहुल जो बैग लाया था वो बहुत भारी है. तो राहुल बैग किसके हैं? ऑनर कौन है बैग का? राहुल. राहुल, राहुल की एंडिंग में कुछ भी एस ऐड नहीं है, सिंगुलर है राहुल. तो हम राहुल्स बैग इज वेरी हैवी. राहुल के बैग बहुत हैवी, भारी हैं. तो हमने साइन ऑफ पोजीशन कोमा लगा के, एस लगा के साइन ऑफ पोजीशन का यूज कर लिया. हमें ये चीज ध्यान रखनी स्टूडेंट्स कि नाउन की एंडिंग में चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बस हमें एंडिंग अगर ऐसे हो रही है तो दिस साइन का यूज करना है, और अगर एंडिंग में एस नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो हमें साइन ऑफ पोजीशन का यूज करना है. ये दोनों साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी, साइन ऑफ पोजीशन, ये दोनों ही शो करते हैं बिलोंगिंग, यानी चीज का दूसरी चीज से संबंध क्या है, रिलेशन क्या है. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, लाइक चिल्ड्रन,
है, तो दोनों में ही साइन ऑफ पोजीशन के साथ साइन ऑफ पोजीशन लगेगा, क्योंकि जेंडर प्लूरल तो है लेकिन इसकी एंडिंग में एस नहीं आ रहा है। लाइक मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास एक नेम है, सिंगुलर नाउन है, सिंगल नेम है, सिंगुलर पर्सन का नेम है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, मिस्टर विश्वास की जो स्पेलिंग बनती है उसकी एंडिंग में क्या आ रहा है, एस। क्या आ रहा है? एस। मिस्टर विश्वास बैग, तो मिस्टर विश्वास जो है उसकी एंडिंग एस से हो रही है, स्पेलिंग की है सिंगुलर, लेकिन फिर भी हम किसका यूज करेंगे, एस आ रहा है, तो केवल हम साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे गूगल मीट में कंसल्ट कर सकते हैं। आपको होमवर्क सुंदर सुंदर नोटबुक में करना है।